आप यहाँ पे अपनी सेल्स या परचेज की एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप डाउनलोड सैंपल फाइल में दिए गए ऑप्शन आइटम इनवॉइस या अकाउंटिंग इनवॉइस को डाउनलोड करके उसमें अपना डेटा कॉपी पेस्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी एक्सेल शीट है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने रहते हैं। सबसे पहले शीट का जो भी हैडर है वो टॉप में होना चाहिए, तो जो भी अनवांटेड चीज है आप उसको रिमूव कर दिए, जैसे कि ये आपका जो हैडर है ये रिमूव कर देंगे। जो फाइल के मेन हेडर्स होते हैं वो हमेशा टॉप में होने चाहिए। सेकेंडली, अगर हैडर में कोई फुल स्टॉप या डॉलर सिंबल जो है वो आपको रिमूव कर देना रहेगा सबसे पहले। रिमूव करने के बाद अगर आपके शीट में ग्रांड टोटल दिया हुआ है तो आप वो लाइन को भी रिमूव कर दीजिए। आपको एक यहाँ पे कॉलम ऐड करनी है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिख सकते हैं, अगर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स लीडर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका जीएसटी रेट है टैली के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सेल्स लेजर है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है शीट के अंदर। शीट में मेंशन करने के बाद एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी जो शीट है वो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। सिंपली आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर दीजिए। राइट साइड पे आपको ऑप्शन दिया है अपलोड बटन का, जैसे ही क्लिक करेंगे एक स्मॉल पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आपको आपकी कंपनी सिलेक्ट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट टाइप करना है, विद आइटम और विदाउट आइटम। इसके बाद आप अपनी शीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। क्लिक टू अपलोड पे आपको क्लिक करना है। फाइल सिलेक्ट होने के बाद आपको अपना डेटा यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे नोट्स में कुछ चीजें दी हुई हैं जो खास ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, हेडर में कुछ डॉट नहीं होना चाहिए। मेन ध्यान दीजिएगा कि आपका डेट फॉर्मेट DDMM4YY होना चाहिए। अब हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा फाइल का स्टेटस आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको मिलता है इंपोर्टेड फाइल हेडर्स, मतलब कि आपने जो शीट अपलोड की है उसके जितने भी हेडिंग्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड मिल जाएंगे। देन आपको यहां पे मिलता है टैली फील्ड्स जो आपको मैप करने हैं। देन आपको मिलते हैं फाइल्स टॉप 3 वैल्यू, कि आपके शीट में जो भी डेटा है उसके पहले 3 वैल्यूज आपको मिल जाते हैं, जिसको देख के भी आप अकॉर्डिंगली मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल डेट दिया है तो उसके सामने आपको यहाँ पे डेट जो फील्ड है मैप करना है, बिल नंबर है। इसी तरह प्रकार से आपको पूरी शीट जो है मैप करनी है। जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो आप मैप कर सकते हैं। देन आपको एक फील्ड और मिल जाएगी सेल्स लेजर की, जो हमने क्रिएट की थी, वहां पे आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। लास्ट में आपको मिलेगा टैक्स लेजर, उसके सामने आपको सिलेक्ट लेजर करना है। अगर आपके शीट में IGST नहीं है फिर भी आपको वो फील्ड मैप करनी है, आप यहाँ पे अपना कॉमन जो भी आपने SGST CGST क्रिएट किया है वो आपको सिंपली यहाँ पे मैप कर लेना है। मैप करने के बाद अगर आपके शीट में कुछ एक्स्ट्रा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट है, राउंड ऑफ है, वो आप अदर लेजर मैपिंग में क्लिक करके वो फाइल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेव मैपिंग का ऑप्शन दिया है। अगर आपको क्लाइंट हमेशा एक ही शीट आपको देता है एक ही फॉर्मेट का, तो आप मैपिंग सेव कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से आपको वो शीट पे जो मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम में आपको प्री मैप डेटा दे देगा। सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप प्रोसीड करते हैं आपका शीट का डेटा आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है।